हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बच्चों के फेवरेट पोहा वेजिटेबल चीज कटलेट, जिसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। इसे आप बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, शाम को छोटी मोटी भूख में, किटी पार्टी में, या फिर बच्चों के बर्थडे में भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें चीज ये देखिए इतनी अच्छी मेल्ट हुई है, बच्चे एकदम खुश हो जाएंगे खाकर। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। चलिए तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा सा बॉल ले लेंगे, उसमें हम मेजरिंग कप के हिसाब से 2 कप डाल देंगे पोहा। अब हम क्या करेंगे, इसको पानी डालकर 2-3 बार अच्छे पानी से धो लेंगे। पोहे को हमने अच्छे से धो लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख देते हैं सेट होने के लिए। 5 मिनट हो गई हैं, हम अपना पोहा चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो पोहा है अच्छे से फूल गया है। अब मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के बॉयल आलू लिए हैं। आलू मैंने उबालकर फ्रिज में रख दिए थे, ठंडे आलू का हम यूज करेंगे। और एक ग्रेटर की हेल्प से हम इसे ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो इसको ग्रेट कर लें या फिर हाथ से एकदम फाइन मैश कर लें। हमारे जो आलू थे अच्छे से हमने इसको कर लिया है ग्रेट। अब हम इसको हाथ से अच्छे से मल लेंगे। तो हमने ना दोनों को अच्छे से एक साथ इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कुछ और चीजें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधी शिमला मिर्च ली है, बीज निकाल के इसको फाइन कट कर लिया है। एक छोटे साइज की गाजर ली थी, इसको कद्दूकस कर लिया है। एक प्याज लिया था छोटे साइज का, और इसको भी मैंने एकदम बारीक कट किया है। 2 टेबलस्पून ली है मैंने यहाँ पर फ्रोजन मटर, आपके पास फ्रेश हो तो उसको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए बॉइल करके यूज कर सकते हैं। अब इसमें बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच हम डाल देंगे ब्रेड क्रम्स। तो मैंने 4 ब्रेड लिए थे, उनको मिक्सर जार में डालकर पीस लिया है और हमारी फ्रेश क्रम्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून डाल देंगे ऑयल। ऑयल से क्या होगा, जब हम नाश्ता बनाएंगे तो अच्छे से अंदर तक पक जाएगा। बारीक कटा हरा धनिया, बारिश का मौसम है तो हरा धनिया उतना फ्रेश नहीं आ रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ बेसिक से मसाले। तो 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पर डाल रही हूँ लाल मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, 1/2 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच साबुत जीरा, 1/4 छोटी चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें काली मिर्च का पाउडर, सबसे लास्ट में इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबलस्पून नमक या फिर स्वाद के अनुसार। अब सभी को अच्छे से मिला लेंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, इस तरीके से दबा के एक साथ इसको सेट कर लेंगे और जो अपने हाथ है ना क्लीन कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपने हाथ पे ना थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि जब हम इसका नाश्ता बनाए तो हमारे हाथ पे चिपके नहीं। और हम क्या करेंगे, इसका इस तरीके से गोल लेंगे और इस तरीके से गोल करेंगे जैसे लड्डू बनाते हैं, हाथ पर रखेंगे इसको चपटा कर देंगे। और ये मैंने ली है क्यूब वाली चीज, उसको ना मैंने पीसेस में कट कर लिया है लगभग 1 इंच की। तो आप इसकी जगह पनीर का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप इसको बिना पनीर या चीज के भी बना सकते हैं। इसको हम कवर कर देंगे इस तरीके से। कवर करने के बाद इसको हम अच्छे से सेट कर देंगे, हल्का सा दबा देंगे, चपटा कर देंगे। आप चाहे तो इसको सर्कल में भी बना सकते हैं, आप इसको सिलेंड्रिकल शेप में, या फिर आप इसको इस तरीके से टिक्की जैसे भी बना सकते हैं। तो मैं इस तरीके से बना रही हूँ टिक्की जैसे, एक बना लिया है, एक और आपको बनाकर दिखा देती हूँ। चपटा कर देंगे इस तरीके से बीच से, इसके अंदर चीज रख देंगे, इसको फिर डो इस तरीके से कर लेंगे लड्डू जैसे। सेट हो गया है, घुमाएंगे हाथ से, इसको चपटा कर देंगे और इस तरीके से सेट कर देंगे। तो सभी नाश्ता हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी वेजिटेबल चीज कटलेट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। देख लेते हैं हमें आगे क्या करना है। हम फिर से एक बॉल ले लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून डाल देंगे हम कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह आप मैदा का भी यूज कर सकते हैं। और इसमें पानी डालकर इसके पतला सा घोल बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने ना स्लरी एकदम पतली सी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि जो इसकी कोटिंग हो फीकी फीकी ना लगे। मिला देंगे इसको, हमारी स्लरी भी बनकर तैयार है। और यहाँ पर लिए हैं मैंने ब्रेड क्रम्स। तो अब हम क्या करेंगे,
एक जो हमारा कटलेट है इसके अंदर डिप करेंगे स्लैरी के अच्छे से, और यहीं पर एक्स्ट्रा स्लैरी निकाल देंगे, और इसको ना जो हमारे ब्रेड क्रम्स हैं इसके अंदर अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम कोटिंग करके एक प्लेट में निकाल लेंगे सभी को। फिर से एक हम कटलेट लेंगे, अपनी स्लैरी में डिप करेंगे, साइड पे ना सारी स्लैरी एक्स्ट्रा निकाल देंगे, इसको हम ब्रेड क्रम्स में डालेंगे, इसको अच्छे से कोटिंग कर लेंगे इसी तरीके से सबको। तो इतने हमने कटलेट्स कर लिए हैं क्रम कोटिंग, बाकी जो बचे हुए मैं बाद में बनाऊंगी बच्चों के स्कूल से आने के बाद। आगे देख लेते हैं हमें क्या करना है। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में पहले से ही ऑयल गरम होने रख दिया था, ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गरम हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इसमें अपने जो कटलेट्स हैं डालते जाएंगे और फ्लेम अपना यहाँ पर मीडियम कर लेंगे। एक कम यहाँ पर हो गए कटलेट, इस तरीके से हाथ पे रख लें, हल्का सा दबा दें ताकि जो क्रम कोट किया है ना ये इस पे से निकले नहीं, इस पे अच्छे से सेट हो जाए। जितने एक बार में आ जाएंगे हम डाल देंगे, तो 1 से 1.5 मिनट बाद देखेंगे इनका कलर अच्छे से गोल्डन हो गया है। अब हम एक फोर्क की हेल्प से इनको पलट देंगे, तो ये देखिए इनका कलर कितना अच्छा हो गया है गोल्डन सा। अब हम क्या करेंगे, इनको उलट पलट के दोनों तरफ से गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने उलट पलट के इनको गोल्डन क्रिस्पी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको निकाल लेंगे, इस तरीके का झारा ले लेंगे, उसमें निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो कढ़ाई में ही निकल जाए। निकाल लेंगे प्लेट में, बचे हुए कटलेट्स भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारे सभी पोहा वेजिटेबल चीज कटलेट्स बनकर तैयार हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बच्चों को तो चीजें पीजी चीजें वैसे ही बहुत पसंद आती हैं। आप इसको ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से नरम मुलायम चीजी। तो मैं एक आपको तोड़कर दिखा देती हूँ, तो आप देख सकते हैं चीज कितने अच्छे से मेल्ट हुई है, और जब चीज हमारे मुंह में आती है ना तो उसका टेस्ट 4 गुना बढ़ जाता है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, घर में किट्टी पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे हो तब भी बनाकर आप इसे मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पर इसको सर्व किया है मैंने टोमेटो केचप के साथ, आप इसे अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मैं तो चली गर्मा गर्म इस स्नैक को एंजॉय करने, आप कब बना रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।